What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 7 जुलाई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:24 हो रहा है। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा जबरदस्त निफ्टी इंडेक्स में तेजी, वैक्सीन की खबर आने के बाद एक जबरदस्त माहौल बाजार में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आज कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऑफर है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जीरो द आप स्टॉक्स या फाइव पैसा, अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंदर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारे जो ट्रेडिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग मेंबरशिप है, प्रीमियम मेंबरशिप, वो आपको फ्री में मिल सकती है। उसके बावजूद अप स्टॉक्स के लिए और एक ऑफर है ज़बरदस्त। ये ऑफर सिर्फ 12 जुलाई तक है। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो एब्सोल्युटली फ्री और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है ये, और उसके साथ आपको मिलता है 30 डेज के लिए जीरो ब्रोकरेज। उसके साथ ही मिलता है मनी कंट्रोल प्रो ईयरली सब्सक्रिप्शन, करीब करीब 2000 का एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। ये ऑफर 12 जुलाई तक है, तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर आप यहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, सिक्योर्ड है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें, फिर आपको प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑफर था। चलते हैं निफ्टी का कल का रिव्यू कर लेते हैं। हमारा जो एनालिसिस था ये कल का पिक्चर है, 6 जुलाई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेकआउट लेवल सेकंड टारगेट के ऊपर काफ़ी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ये लगातार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वैक्सीन की जो खबर आई थी उसके वजह से मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव माहौल बन रहा था, तो लगातार यहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिला। तो हमारा जो प्री मार्केट जो हमने प्लान बनाया था उसके मुताबिक तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। लाइव मार्केट में अगर देखें तो जैसे हायर हाई तोड़ रहा था 5 मिनट या 10 मिनट के चार्ट में, वैसे यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी कल। लेकिन जो हमारा प्री मार्केट प्लान जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में भी 3 दिन के छुट्टी के बाद ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिला। वैक्सीन की खबरें वहां पर भी है, वहां जर्मनी के कंपनी के साथ उन्होंने टाइप किया है तो वहां पर भी वैक्सीन की पॉजिटिव खबरें थी। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो कल सभी हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन अभी एशियाई बाज़ार जो खुले हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। सभी एशियाई बाज़ार लगभग लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को भी देखें तो 129 पॉइंट की यहाँ पर इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल इस वक्त ग्लोबल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग, एक कमजोरी देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, थोड़ा मंथली चार्ट को भी देखेंगे कि मंथली चार्ट में रेजिस्टेंस के लेवल कहाँ पर है, अगर ऊपर जाना है तो कहाँ पर ये हर्डल फेस कर सकते हैं। अभी ये मंथ शुरू हुआ है जुलाई महीने का, ये जुलाई महीने का कैंडल है, इसके पहले ये जून का कैंडल था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पिंक लाइन है 20 EMA, ये पास्ट में कैसे सपोर्ट का काम कर रहा था। तो जब ये सपोर्ट का काम कर सकता है तो अभी ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस का काम करे। तो अभी ये एग्जैक्ट ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है ये अराउंड अभी 10,763 के पास है। अभी मंथ ये ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी दिन बाकी है मंथ ख़त्म होने के लिए। तो हो सकता है अभी ये इस लेवल के पास 10,800 के पास एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर इसके ऊपर इस महीने में कंफर्टेबली क्लोज होता है तो काफ़ी चांसेस रहेंगे इस बेयरिश कैंडल को, ये जो बेयरिश कैंडल है इसका ब्रेकआउट देने के लिए काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो। वीकली चार्ट में कल हमने देखा था कि ये जो 50 और 100 EMA है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। 10,700 के पास आ रहा था और ये 50 EMA जो है ये 10,600 के पास आ रहा था, लेकिन जैसे ज़बरदस्त गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर ये 100 EMA के ऊपर ये सस्टेन कर रहा था कल। ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, अभी तक वीक ख़त्म होने में 4 दिन बाकी है। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर यानी 10,724 जहाँ पर ये 100 EMA आ रहा है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है
तो काफी दिनों के बाद यानी मार्च के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर तीनों लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निफ्टी इंडेक्स हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो ये काफी पॉजिटिव साइन होगी। तो यहाँ से अगर ये और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर होगा 11,184, जैसे कि 76.4 का इसने लेवल यहाँ पर अचीव कर लिया था और कल यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो ये वीकली चार्ट का इस समय का सिनारियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट का जहाँ पर लास्ट स्विंग हाई लो आ रहा था, इसको पकड़ के हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका 61.8% का लेवल ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। कल एग्जैक्ट इसी के पास इसने हाई लगाया था 10,811। तो इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो फिर हमें और निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अभी ये जो क्रूशियल लेवल्स रहते हैं 50% और ये 61.8% का लेवल, तो हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ी सी यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिले। फिर जैसे कि यहाँ पर एक ये वेव बनता है ऊपर जाता है ऐसे, तो यहाँ पर भी एक वेव बने और फिर हमें ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखे। तो ये डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस है। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आर्ली चार्ट में अगर लास्ट कैंडल देखे तो यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो इनसाइड बार ट्रेडिंग का ये जो हाई है यानी ये जो स्विंग यहाँ से घूमा है निफ्टी इंडेक्स 10,795 के पास, तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल और सेकेंड टारगेट होगा 10,834, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स ये इनसाइड बार ट्रेडिंग का ये जो लो है यानी 10,745 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,728, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,702 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, और जो ये गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसका इनिशियल ये लेवल है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है, तो S1 का ये जो लेवल है, ये जो गैप का लेवल है यहाँ पर इसके नीचे सस्टेन होने दीजिए। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो इसके नीचे अगर आर्ली या हाफ एन आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए तभी हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, तब ये गैप फिल होने के चांसेस लगभग और मजबूत हो जाएंगे। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।